एक बार की बात है, बुद्ध के समय में एक छोटे से गांव के पास एक विशाल जंगल था। उस जंगल में एक सुंदर तालाब था जो कमल के फूलों से भरा हुआ था। तालाब के किनारे पर एक छोटा सा बौद्ध मठ था जहां एक युवा भिक्षु जिसका नाम आनंद था रहा करता था। आनंद बहुत ही मेहनती और ज्ञानी था, लेकिन उसे खुद पर विश्वास की कमी थी। एक दिन बुद्ध ने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, तुम आज जंगल में अकेले जाओगे और वहां 3 दिन रहोगे। वहां तुम खुद के साथ समय बिताओ और समझो कि अकेले रहना कैसे एक ताकत बन सकता है। आनंद ने बुद्ध के आदेश का पालन किया और जंगल की ओर चल पड़ा। पहले दिन आनंद ने महसूस किया कि जंगल बहुत ही डरावना और सुनसान है। वह हर छोटे से छोटे आवाज से डर जाता था, लेकिन उसने बुद्ध की शिक्षा को याद किया और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सभी चिंताएं और डर उसके ही मन की उत्पत्ति है। दूसरे दिन आनंद ने खुद को समझाया कि अकेलापन डर का कारण नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का अवसर है। उसने ध्यान किया, प्रार्थना की और अपने भीतर की शांति को महसूस किया। उसने देखा कि तालाब के कमल के फूल अकेले ही खिलते हैं और अपनी सुंदरता से पूरे तालाब को महकाते हैं। तीसरे दिन आनंद ने अनुभव किया कि जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने असली स्वभाव का पता चलता है। उसने महसूस किया कि खुद पर विश्वास करना और आत्मनिर्भर होना ही असली ताकत है। जब हम अपने भीतर की शांति और आत्मविश्वास को समझ लेते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। 3 दिन बाद आनंद मठ वापस आया और बुद्ध के पास गया। उसने अपनी यात्रा के अनुभव को साझा किया और कहा, भगवान, मैंने सीखा कि अकेले रहना डर का कारण नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ताकत है। खुद पर विश्वास रखने से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें सिखाया कि खुद पर विश्वास और आत्मनिर्भरता ही सच्ची ताकत है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तब हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह शिक्षा तुम्हारे जीवन में हमेशा काम आएगी। इस कहानी से बच्चों को यह सीख मिलती है कि खुद पर विश्वास रखना और अकेले रहने की ताकत को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तब हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी गौतम बुद्ध के महत्वपूर्ण जीवन पाठ पर आधारित। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता को बनाते हैं। सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को खुशियों से भरें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ कंपेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।